पॉपी जी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विदेशी अखबारों में भी छाई एग्जिट पोल्स में मोदी की जीत। लोकसभा चुनाव 2019 के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। अभी तक के एग्जिट पोल्स की माने तो केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में केंद्र में दोबारा बनती दिख रही मोदी सरकार से दुनिया भी हैरान है। विदेशी मीडिया ने एग्जिट पोल्स में दिख रही मोदी सरकार की जीत को प्रमुख जगह दी है। दुबई से पब्लिश होने वाले अखबार खलीज टाइम्स ने एग्जिट पोल में दिख रही एनडीए की जीत को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर में अलग अलग आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि एग्जिट पोल के हिसाब से मोदी और ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। वही गल्फ न्यूज में छपी खबर ने भी एग्जिट पोल में दिख रही मोदी की जीत को प्रमुख स्थान दिया है। पाकिस्तान वेबसाइट डॉन ने भी एग्जिट पोल के नतीजे को प्रमुख स्थान देते हुए लिखा है कि एनडीए 302 सीट पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस को 122 सीट मिलती दिख रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2014 में सत्ता में आने वाले के बाद से भारतीय राजनीति पर हावी होने वाले मोदी एग्जिट पोल्स में 5 साल और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर सकते हैं। गूगल पर भारत से ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किए गए पीएम मोदी राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में मतदान खत्म होने के बाद रविवार की शाम को लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल भी आ गया। एग्जिट पोल के नतीजे पर नजर डालें तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही। वहीं पिछले 24 घंटे के गूगल सर्च के आंकड़े पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी रिकवर्ड को राहुल गांधी के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सर्च किया गया है। गूगल सर्च में नरेंद्र मोदी को 87% और राहुल गांधी को 13% सर्च किया गया है। लेकिन इस सर्च रिजल्ट में एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। दरअसल नरेंद्र मोदी को इस दौरान सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया गया। गूगल सर्च रिजल्ट के मुताबिक 19 मई 2019 की शाम 4:26 से लेकर 20 मई को दोपहर 11:22 तक नरेंद्र मोदी रिवर्ट को सबसे ज्यादा सर्च किया गया।